मैं रुखसार आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ इस गेम शो में जिसका नाम है कौन बनेगा IAS, जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन एडमिनिस्ट्रेटर। हमने एक वीकली चैलेंज किया था जिसमें कि हर हफ्ते कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट पे। तो जो उसका कंटिन्यूसली सही जवाब देते हैं उन्हें हम मौका देते हैं यहाँ आकर हॉट सीट पे बैठने का और खेलने का हमारे साथ कौन बनेगा IAS। तो आज के हमारे जो विजेता है वो है मिस्टर करण घुले। सो लेट्स वेलकम मिस्टर करण घुले। हेलो करण, कैसे आप? वेलकम टू कौन बनेगा IAS, प्लीज हैव अ सीट। हेलो करण, कैसा लग रहा है आपको कौन बनेगा IAS में आते हैं? अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडेज गेम। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। यस श्योर यू विल एंड बेस्ट ऑफ लक गेम से पहले। आप तो करण, खेलने से पहले हम आपको गेम्स के रूल समझा दें। इसमें होंगे आपके पास 10 सवाल तीन पड़ावों के साथ, ठीक है? पहला पड़ाव होगा तीसरे सवाल पे, दूसरा होगा सातवें सवाल पे और तीसरा दसवें सवाल पे। उसके लिए आपके पास होगी तीन लाइफ है। अगर आप कहीं क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, आपको लगता है मैं नहीं दे सकता इसका आंसर, ये रॉन्ग हो सकता है, तो आप तीनों लाइफ लाइन्स यूज कर सकते हैं अपनी। पहली है फ्लिप द क्वेश्चन, जिसमें आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हो, उसमें क्वेश्चन बदल दिया जाएगा आपके लिए। सेकेंड है डबल डिप, जिसमें एक ही क्वेश्चन के आपको दो आंसर देने का चांस दिया जाएगा, तो अगर एक गलत हो भी जाता है तो आप दूसरी बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, तो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रेडी है आप खेलने के लिए ये गेम जिसका नाम है कौन बनेगा IAS? और लेट तो हम स्टार्ट करते हैं करण के साथ ये गेम कौन बनेगा IAS। तो पहला क्वेश्चन करण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Cooperation 2019 will be held in, and your options are A. India, B. Pakistan, C. China, or D. Italy. Lifeline. Okay, please stop the clock. Current lifeline use करना चाहते हैं? कौन सी lifeline use करेंगे करण आप? Expert advice. Expert advice. ओके कंप्यूटर जी, तो करण एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, हमें प्लीज एक्सपर्ट की तरफ ले जाया जाए। तो आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर मंगेश हमारे साथ। हेलो मिस्टर मंगेश। हेलो। हमारे कंटेस्टेंट है यहाँ पे करण, जो एक सवाल पे अटक गए हैं, तो वो आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल ये रहा है स्क्रीन पे। द बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन 2019 held in India, Pakistan, China or Italy. तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? मैम, इसका सही जवाब C है, China. Because ये Belt and Road Forum जो है वो One Belt One Road जो initiative है China का, जिसमें वो infrastructure build कर रहा है around 152 countries में, ताकि वो import और export को और develop कर सके China का with rest of the countries, with European nations, Middle East और जो एशियन कंट्रीज है। जो एंशियन टाइम में जो सिल्क रूट होता था, वो सिल्क रूट पे, वही सिल्क रूट पे सिमिलरली अभी मॉडर्न टाइम्स पे जो 21st सेंचुरी सिल्क रूट डेवलप करने का इनिशिएटिव है चाइना का, जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको और डेवलप हो सके। ओके, सो द इनिशिएटिव इज मेजरली टेकन बाय द चाइना एंड द फोरम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना। सो द ऑप्शन इज सी, चाइना। ओके, थैंक यू सो मच मंगेश। थैंक यू सो मच। ऑलराइट करण, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि आंसर होना चाहिए सी, चाइना। तो क्या आप उनसे सहमत है? यस सी। यू विल गो विद सी, चाइना? यस। तो लॉक कर दे? यस। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी चाइना को लॉक कर दीजिए और हमें बताइए कि ये सही आंसर है या नहीं। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था ये करण, मिस कर दिया आपने पढ़ाने। अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज है, बेल्ट एंड रोड फोरम इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे होने वाला है चाइना में। तो कैसे रहेंगे? ओके, तो आगे गेम खेलने के लिए रेडी है आप? आगे सेकंड क्वेश्चन पे चले हम? यस। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सेकंड क्वेश्चन करण आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा। यूजुअली 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड इन इंडिया एवरी ईयर, दैट इज बजट, मॉनसून एंड विंटर।
The constitution mandates that the maximum gap between two sessions of parliament should not be more than. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है कि तीन सेशन होते हैं नॉर्मली, बजट, मॉनसून और विंटर. तो उन दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना नहीं होना चाहिए कि इतना भी हो गया है तो आपको नेक्स्ट सेशन करना ही है. तो मैक्सिमम गैप दो सेशन के बीच में कितना होना चाहिए, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं. मैक्सिमम गैप बिटवीन बजट एंड मॉनसून विंटर. सी, तीन सेशंस है, बजट, मॉनसून एंड विंटर. तो तीन सेशंस करने होते हैं एक साल के अंदर. तो मैक्सिमम कितने टाइम का गैप दो सेशन के बीच में लैप्स नहीं होना चाहिए, दैट इज एटलीस्ट अगर ये टाइम निकल गया है तो अब आपको नेक्स्ट सेशन कर लेना चाहिए. ओके, तो आप क्वेश्चन समझ गए हैं. और ये आ रहे हैं आपके ऑप्शंस करण आपकी स्क्रीन पर, 120 डेज, बी 6 मंथ्स, सी 180 डेज और डी 4 मंथ्स. ओके प्लीज टिक टिक कीजिए, रुक जाए. करण लाइफलाइन लेना चाहते हैं, कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? फ्लिप द क्वेश्चन. फ्लिप द क्वेश्चन, ओके. करण अपनी अगली लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाहेंगे. प्लीज कंप्यूटर जी क्वेश्चन को बदल दिया जाए. अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड योर ऑप्शंस आर ए शेड्यूल 9, बी शेड्यूल 11, सी शेड्यूल 10 और डी बोथ ऑप्शंस ए एंड बी. काफी चर्चा में रहता है. करण अपनी आखिरी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं. डबल टिप. ओके, डबल टिप में आपको दो अवसर दिए जाएंगे आंसर लॉक करने के, ठीक है. ओके करण, तो पहला आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए शेड्यूल 9. यस. ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए शेड्यूल 9 पर लॉक लगाया और बताएं कि ये सही आंसर है या नहीं. अब आपके पास एक और चांस है आंसर देने का, सोच समझ के बोलिएगा कौन सा ऑप्शन आप लॉक करेंगे. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी शेड्यूल 10. यस. आर यू श्योर? यस. लॉक कर दे. यस. ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी शेड्यूल 10 को लॉक कर दिया जाए और हमें बताए कि सही उत्तर है या नहीं. एंड दिस इज द राइट आंसर. कैसे आपने गेस किया? गेस तो गेस. जैसे ऑप्शन ए शेड्यूल 9 चला गया तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है. हाँ. देन बचे बी एंड सी. तो जस्ट गेस था ये या आपको थोड़ा कुछ ऐसे पता था कि हाँ एक्चुअली गेस ही किया था. गेस ही किया था. ओके, गुड गेस वर्क विद करण. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करण आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Which of the following is the most carbon rich moisture deficient form of coal? And your options are A anthracite, B peat, C bituminous or D sub-bituminous. Peat to nahi hai because it is having high moisture content and found in Himalayan region. So anthracite A. Okay, you want to go with anthracite? Yeah. Alright computer ji, A anthracite ko lock kar dijiye, main bataiye sahi uttar hai ya nahi. Is found on large scale in Jharkhand region. Yes, exactly. And Chota Nagpur plateau. Located exactly. So the sequence go like first anthracite, then bituminous, then sub-bituminous, then comes lignite and in the last peat. तो करण इसी के साथ आपने पार कर लिया है पहला पड़ाव और आपको मिलता है एशिया आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक डिस्काउंट. Let's move on to the next question. And the next question is, the Kyoto Protocol is related to which of the following? Options are saving of corals, reduction of waste from electronics factories, reduction of emissions of ozone depleting substances.
ग्रीनहाउस गैस एमिशन पे लॉक कराया जाए और बताएं हमें सही है ये या नहीं। दिस इज कैसे के बारे में आपने इसे पहचान लिया कि यही होना चाहिए? एक्चुअली इट इज रिलेटेड, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू environmental issues. It was formed and leaded by Japan, yeah. And it is named after city in Japan, that is Kyoto. Yes, yes, that's very nice. आप काफी कुछ पढ़ते हैं general knowledge के बारे में. That's very good. Okay, let's move on to the next question now. Karan, are you ready? Yes. Okay, and the next question is. Your options are A. Agricultural products, B. Petroleum products, C. Gems and jewelry, or D. Services. B. Petroleum products. Okay, computer ki B. Petroleum products pe lock laga hai aur hume bataya ye sahi uttar hai ya nahi. Okay, B. Petroleum. Baaki saari cheeze agricultural products hogi, gems and jewelry, services, ye sab include hota hai GST mein. Yes, exactly. And petroleum products plus alcohol are excluded from the goods and services. अभी बात चल रही है कि इन दोनों को भी GST के criteria में लाया जाए, but still it has not been included. Okay, because they are major source of income for state governments, yes. And municipal corporations who apply cess and taxes VATs on this product. On this, so additional GST would be like. Yes. Additional taxes are implied on this product. Yes, exactly. And that's why we see variation in prices in petrol from in Delhi and Mumbai and other cities. Exactly. State-wise differences there. State-wise, yes. Yes, exactly. Oh, Karan, that's really good answer. Now let's move on to the next question. Oh, Karan, next question na aapki screen par ki raha. In which of the following clauses only important clauses are taken up for debate? And voting and the intervening clauses are skipped over and taken as passed. And your options are A. Simple closure, B. Guillotine closure, C. Kangaroo closure, or D. Closure by compartment. C. Kangaroo closure. C. Kangaroo closure. Are you sure? Yes. Lock kar de. Yes. Okay, computer ji, C. Kangaroo closure par lock lagaya jaye. This is the answer. कैंगरू अदर सिंपल है तो फिर उतना ये नहीं कि अर्जेंट ऐसे तो कैंगरू सीम करता है तो फिर गिलिटिन तो सिंपल क्लोजर इज लाइक जो नॉर्मल डेली बेसिस पे होता है दैट इज गिलिटिन वन इज इट इज लिटिल नॉट दैट इंपॉर्टेंट लाइक ऑल द डिस्कस्ड इश्यूज आर टेकन अप एंड अनडिस्कस्ड डिसीजंस आर आल्सो पुट टू वोट जो डिस्कस नहीं किए गए हैं इश्यूज वो भी डिस्कस्ड के साथ में वोट पर डाल दिए जाते हैं एंड क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्लोजर बाय कंपार्टमेंट थोड़ा अलग है वो इसमें क्या होता है जो इश्यूज होते हैं जो भी उन्हें सिमिलैरिटीज के या डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है अलग अलग डिवाइड किया जाता है एंड ग्रुप में उन्हें फिर डिस्कस किया जाता है और कैंगारू क्लोजर इज द ओनली वन जिसमें इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को ही लिया जाता है एंड बाकी क्लॉजेस आर डीम्ड टू बी पास्ड विद दिस ऑलराइट सो द करेक्ट आंसर इज कंगारू क्लोजर फॉर दिस कौन से स्टैंडर्ड में है आप करंट 12th स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं साइंस FYGC ओके 12th में है अभी तो कैसे चल रही है तैयारी आपकी बोर्ड की स्टार्ट किया है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस परसेंटेज वाइज है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ जैसे ICAR JEE एंड नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं फॉर फॉर द हायर एजुकेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है करियर वाइज आपकी करियर मुझे एग्रीकल्चर में करियर करना है एंड आफ्टर दैट एग्रीकल्चर सर्विसेज जो है इंडियन गवर्नमेंट के उनके लिए सर्व कर एग्रीकल्चर फील्ड में आप कैसे सर्व करना चाहते हैं एक्चुअली करंट सिचुएशन ऑफ फार्मर्स ऐसी है कि फार्मर्स डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट वेरियस क्रॉप्स एंड दे डोंट हैव दैट प्रॉपर नॉलेज अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स थ्रू विच दे कैन गेट हायर प्रॉफिट्स यूटिलाइजिंग लेस मनी एंड रिसोर्सेज दे कैन गेन मोर प्रॉफिट एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू
make this thing in for farmers. क्या सोचे करण आपकी सलाम करते हैं और लेट करण रेडी आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करण ये रहा Gandhi and Dr. Baba Saheb Ambedkar was accepted as an amendment to and the options are A. Communal Award B. August Offer C. Cabinet Mission Plan or D. Government of India Act 1935 Communal Award A Communal Award? Yes Are you sure? Yes Lock kar de? हाँ ओके कंप्यूटर जी एक कम्युनल अवार्ड को लॉक कर दीजिए और बताइए सही उत्तर है या नहीं कैसे आपने एक ही इसमें पहचान लिया कि कम्युनल अवार्ड ही होना चाहिए बिकॉज़ पढ़ा था गांधी आयरविन पैट के बारे में लेकिन वो अलग था इसमें महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज लीडर फॉर एंटायर back downtrodden society classes, yes. downtrodden society if we see in such manner he asked that we must have different reservation system rather than having such leader electorals and exactly. like so, other religions Britishers wanted to introduce separate electorates for depressed class as yes. well along with Muslims, Sikhs and other communities but then Mahatma Gandhi opposed that thing and then Dr. Baba Saheb Ambedkar in lieu of this separate electorate he asked for reservations yes. alright so the correct answer is communal award और इसी के साथ करण आपने पार कर लिया है दूसरा पड़ाव और आपको मिलता है एशिया आयुष इंस्टीट्यूट की तरफ से एक और डिस्काउंट कूपन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ वेदांता फिलोसफी इनमें से कौन वेदांता फिलोसफी का एक स्कॉलर नहीं है एंड द ऑप्शंस आर A. Shankar, B. Ramanuj, C. Badrayana or D. Patanjali. Patanjali. B. Patanjali? हाँ. Sure है आप? हाँ, because Patanjali is related to yoga philosophy, while others are odd. Okay, so computer जी कारण जी कह रहे हैं कि D. Patanjali पे lock लगाएं और हमें बताएं ये सही उत्तर है या नहीं? पतंजलि योगा से रिलेटेड है एंड शंकर रामानुजा एंड बद्रायना ये तीनों वेदांत फिलोसफी से रिलेटेड है सो वेदांत फिलोसफी इज अमंग द सिक्स हिंदू फिलोसफीज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसफी ओके बाकी की सिक्स फिलोसफीज कौन सी है कुछ याद है आपको बाकी की पांच फिलोसफीज यस न्याय है मनुष्य है एंड वैशेषिका है yes. मीमांसा है एंड वन इज वेदांत योगा सो दीज सिक्स हिंदू फिलोसफीज आते हैं ऑलराइट करण हमने सुना है कि आप साइकिलिंग काफी अच्छी कर लेते हैं यस मैंने अभी तक एक लॉन्ग ट्रिप की थी अबाउट 196 किलोमीटर इन 14 आवर्स फिर अदर 196 किलोमीटर 14 आवर्स लाइक इट वाज कंटीन्यूअस 14 आवर्स Continuous 14 hours with small laps of little break. Okay. In 14 hours, I like you didn't sleep for those. No, actually, didn't take rest. Rest in the sense just had some fluids. Okay. And food, that's all. That's really great. Then why don't you just take part in some competitions? Yes, actually the record is 400 kilometers per day. Which is still far away from my current stage. That mm-hmm. is 196. 400 is much higher than twice what I am doing now. So yeah. I have to take twice efforts and twice practices required. Yeah, practice will make you perfect. No yes. doubt in that. At least you are at that level. 196 kilometer is yes. a big thing. Okay, not everyone can do that. Who do cycling? Yes. Earlier when I started this cycling, I had a little.
एक इन काफ्स एंड थाइज लेटर ऑन इन बैक ऑन इन स्पाइंस सो आई इंक्रीज प्रैक्टिस एंड बिकॉज ऑफ योगा एंड एस्पेशली सर्वांगासन आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट इन साइक्लिंग That's really good and that's really encouraging for others as well कि आप अपनी weaknesses को ना देखें आप अपनी strengths देखें अपनी weaknesses को अपनी strengths बनाएं इसमें that's really good कर रहे हैं तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ करण अगला question आपकी screen पर ये रहा Risky for human health because they increase the risk of coronary heart disease by and your options are A. Raising HDL cholesterol and decreasing LDL cholesterol B. Raising LDL cholesterol and decreasing HDL cholesterol C. Raising LDL as well as HDL cholesterol or D. Decreasing LDL as well as HDL cholesterol increase HDL cholesterol while LDL cholesterol increasing LDL HDL cholesterol the trans fat increase cholesterol the definitely D is not the answer Raising HDL cholesterol and decreasing LDL cholesterol. Because trans fats. Trans fats are basically in processed foods. Yes, because the hydrolyzed fats are known as trans fats. So, for example, butter. Butter option. A. Raising HDL cholesterol and decreasing LDL cholesterol. Okay, so you want to go with A? Yes. Are you sure? Yes. So should we lock it? Yes. Okay, computer ji, option A pe lock laga hai, hum bataye sahi hai ya nahi? Correct answer is option B, raising LDL cholesterol and decreasing HDL cholesterol. Good cholesterol, bad cholesterol, suna hoga aapne? Yes, yes. So LDL is the bad cholesterol and HDL is the good cholesterol. So trans fats jo hote hai, wo humari body mein LDL, that is bad cholesterol ko badhate hai and on the other hand, HDL jo good cholesterol hota hai, usse kam karte hai, decreases HDL cholesterol. Alright? Okay, Karan, to isi ke saath आपका सफर आज के बी आई में यही समाप्त होता है लेकिन आप बहुत अच्छा खेले हमें आपके साथ खेले वेरी वेरी बेहतर और इसीलिए हम आपको देना चाहेंगे ए शाज की तरफ से कौन बनेगा आईएएस का पार्टिसिपेशन ओके तो करण अब हम आपसे विदा लेंगे बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ खेल के एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ओके दोस्तों तो अब वक्त आ गया है आपसे भी विदा लेने का तो अब हम आपसे विदा लेते हैं फिर मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड में तो जिस तरह करण आज यहाँ पर आए थे फेसबुक और यूट्यूब और हमारी वेबसाइट पर KBI के क्वेश्चंस का सही आंसर देके उन्होंने ये मौका पाया कि वो आके आज हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर बैठे तो आप भी पा सकते हैं ये मौका दीजिए सही आंसर KBI का फेसबुक पे यूट्यूब पे और वेबसाइट पे और पाइए मौका यहाँ हॉट सीट पर आने का तो अब हमसे विदा लेंगे गुड बाय